नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार तन। हरियाणा में कांग्रेस की स्थिति काफी ज्यादा बदतर होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि चुनाव से पहले कुमारी शैलजा, रणदीप सिंह सुरजेवाला और भूपेंद्र सिंह हुड्डा सीएम पद को लेकर खींचतान करते हुए नजर आ रहे हैं और मनोहर लाल खट्टर ने कुमारी शैलजा को एक बड़ा ऑफर दे दिया है। अब क्या ये बड़ा ऑफर स्वीकार करने के बाद कुमारी शैलजा कांग्रेस का दामन थोड़ भारतीय जनता पार्टी की तरफ जाती हुई नजर आएंगी, और अगर ऐसा होता है तो कांग्रेस क्या विधानसभा चुनाव से पहले टूटती हुई नजर आएगी और एक बार फिर से क्या भारतीय जनता पार्टी सूबे में सरकार बनाती हुई नजर आएगी? ये तमाम वो सवाल हैं जो हरियाणा की राजनीति में सियासी हलचल मचाते हुए नजर आ रहे हैं, और ऐसे में कांग्रेस के अंदर जिस तरह से कहीं ना कहीं फूट पड़ती हुई नजर आ रही है, उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव में उठाती हुई नजर आ सकती है। और जिस तरह से अब कांग्रेस की स्थिति चल रही है, उसमें कहीं ना कहीं मनोहर लाल खट्टर एक बड़ी भूमिका निभाते हुए नजर आ रहे हैं। इस स्थिति पर तमाम चर्चा जारी रहेगी। हमारे साथ सिराज मौजूद हैं। सिराज, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सिराज, किस तरीके से देखते हैं कि मनोहर लाल खट्टर का कुमारी शैलजा को एक बड़ा ऑफर दे देना, वो भी तब जब चुनाव सर पर है, और ऐसे में कांग्रेस तमाम बड़े दावे ठोकती हुई नजर आई, लेकिन अब कांग्रेस की स्थिति काफी ज्यादा बदतर होती हुई नजर आ रही है और कांग्रेस के अंदर जो फूट पड़ रही है उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी उठा रही है, तो क्या सूबे में एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती हुई नजर आएगी या फिर कांग्रेस जिस तरह से बड़े बड़े दावे कर रही है वो सरकार पलटने में कामयाब होती हुई नजर आएगी? क्या कहेंगे आप? जी देखिए, इस वक्त हरियाणा की राजनीति काफी ज्यादा उठापटक की स्थिति में है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का खेमा हो या फिर कांग्रेस का खेमा हो। जाहिर सी बात है कि सीएम पद को लेकर होड़ मची हुई है दोनों ही पार्टियों में। एक तरफ देखा जाए तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस का नेतृत्व कर रहे हैं, खास तौर पर हर मुद्दे में जो है आगे नजर आ रहे हैं। वहीं देखा जाए तो रणदीप सुरजेवाला और कुमारी शैलजा लगातार जनसभाओं से कांग्रेस पार्टी के चुनाव प्रचार से दूरी बना रही हैं, और कुमारी शैलजा को लेकर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने ऑफर दिया है और खुले तौर पर उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी में दलितों का अपमान हो रहा है और कुमारी शैलजा को अब कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में आना चाहिए, उनका स्वागत है, और ऐसे मोड़ पर यह ऑफर दिया है जब कांग्रेस पार्टी में फूट पड़ती हुई नजर आ रही है, तो मुझे लगता है ये कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका है। क्योंकि देखा जाए तो हरियाणा में कांग्रेस पार्टी ने सीधे तौर पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा को खुली छूट दे रखी है, और जो खबरें निकलकर सामने आ रही है कि राज्य की 90 सीटों में से 72 सीटों पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा के मनपसंद से प्रत्याशी उतारे गए हैं, यानी उनके नाम के प्रत्याशी उतारे गए हैं, और ऐसे में कहीं ना कहीं एक बड़ा झटका है कांग्रेस पार्टी के लिए, क्योंकि कुमारी शैलजा लगातार यह आरोप लगा रही है कि कांग्रेस पार्टी में भेदभाव हो रहा है, कांग्रेस नेतृत्व ने खुले तौर पर जो है कहीं ना कहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा को छूट दे रखी है, और ये सबसे बड़ा कारण है। क्योंकि देखिए, कुमारी शैलजा एक बड़ी नेता है और खास तौर पर अगर वो भारतीय जनता पार्टी में जाती है तो कई सीटों पर जो दलित वोट बैंक है उनका कहीं ना कहीं प्रभाव माना जाता है, और कुमारी शैलजा सीधे तौर पर बड़ा झटका दे सकती है कांग्रेस पार्टी को। और मनोहर लाल खट्टर जिस तरीके से ऑफर दे रहे हैं कि कुमारी शैलजा अगर भारतीय जनता पार्टी में आती है तो उनका स्वागत है, मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर एक बड़ा दाव खेल दिया है। क्योंकि देखा जाए अभी तक जिस तरीके से चुनावी प्रतिक्रिया नजर आ रही थी कि माना जा रहा था कि हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की वापसी होगी, और इस बात को कांग्रेस पार्टी बखूबी समझती थी, इसीलिए कहीं ना कहीं उन्होंने गठबंधन भी नहीं किया। हालांकि राहुल गांधी ने जरूर पहल की थी, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा नाराज हो गए थे कि भाई हम किसी से गठबंधन नहीं करना चाहते, क्योंकि टिकट बंटवारे में हमें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, कम सीटें अगर मिलती हैं तो फिर तमाम जो समर्थक है वो नाराज हो जाएंगे, जो कार्यकर्ता वर्षों से मेहनत कर रहे हैं, जो टिकट चाहते हैं वो कहीं ना कहीं नाराज हो जाएंगे। और इसी को देखते हुए कांग्रेस आलाकमान ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को छूट दे दी कि भाई आप अपने मनपसंद के जो है प्रत्याशी उतारिए, और सीएम पद को लेकर भी कहीं ना कहीं वही दावा ठोकते हुए नजर आ रहे थे। और देखा जाए तो इस वक्त हरियाणा में कह सकते हैं कि एक तरफ देखा जाए तो कुमारी शैलजा है, दूसरी तरफ रणदीप सुरजेवाला है और भूपेंद्र सिंह हुड्डा, ये तीन चेहरे हैं जो इस वक्त सीएम पद को लेकर लगातार दावा ठोक रहे हैं। देखिए मनीष, मैं आपको बताना चाहूंगा कि राज्य में 5 अक्टूबर को चुनाव है, लेकिन अभी से ही जिस तरीके से जीतने से पहले ही कहीं ना कहीं सीएम पद को लेकर जो होड़ मची हुई है, ये कांग्रेस को बड़ा नुकसान हरियाणा की राजनीति में पहुंचा सकती है, और ये स्थिति जो है भारतीय जनता पार्टी में भी है। एक तरफ देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी का आलाकमान पहले ही तय कर चुका है कि नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो अनिल विज लगातार बगावती तेवर दिखा रहे हैं,
और कहीं ना कहीं सीएम पद के लिए दावा ठोक रहे हैं। वहीं राव इंद्रजीत भी लगातार सीएम पद के लिए कई बार खुलकर कह चुके हैं। लेकिन सिराज, मैं रोकना चाहूंगा, जिस तरह से आपने राव इंद्रजीत, अनिल विज और यहां पर नायब सिंह सैनी का नाम लिया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी नायब सिंह सैनी के चेहरे पर ही मोहर लगाती हुई नजर आ रही है, तो अब कांग्रेस जैसी स्थिति क्या भारतीय जनता पार्टी में भी बनती हुई नजर आ रही है? उधर भी 3 सीएम पद के दावेदार हैं, इधर भी 3 सीएम पद के दावेदार हैं। जी, मैं वही कह रहा था, लेकिन कांग्रेस की स्थिति में और भारतीय जनता पार्टी की स्थिति में जमीन आसमान का फर्क है, क्योंकि आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी का इतिहास रहा है और उसकी रणनीति रही है कि चाहे वो ताजा अगर उदाहरण की बात करें तो हम झारखंड में जिस तरीके से झारखंड मुक्ति मोर्चा के 2 फाड़ किए, यानी यूं कहें कि चंपई सोरेन जो एक भरोसेमंद नेता थे हेमंत सोरेन के और उनको मुख्यमंत्री बनाया गया था, उनको अपने खेमे में करना, ये बड़ी उपलब्धि है भारतीय जनता पार्टी की। वही महाराष्ट्र में जिस तरीके से कह सकते हैं शिवसेना के 2 फाड़ किए, उसके बाद से एनसीपी के 2 फाड़ किए, वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाती है। मध्य प्रदेश में क्या हुआ हम सबने देखा, ज्योतिरादित्य सिंधिया खुले तौर पर तमाम विधायकों के साथ भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दे देते हैं, और आज कांग्रेस की स्थिति क्या है कह सकते हैं मध्य प्रदेश में, ये हम और आप बिल्कुल अच्छी तरीके से जानते हैं। और वही स्थिति इस वक्त कांग्रेस की हरियाणा में हो सकती है, क्योंकि देखा जाए पार्टी का टूटना ऐसे समय पर जब हरियाणा विधानसभा चुनाव में नजदीक कह सकते हैं कुछ ही दिन बचे हो, तो मुझे लगता है ये खतरे की घंटी है, क्योंकि देखा जाए तो इस बार कांग्रेस के समर्थन में तमाम तरह की जो चीजें हैं वो आ रही थी, लेकिन अब जिस तरीके से मनोहर लाल खट्टर ने दाव खेला है कांग्रेस को एक बड़ा नुकसान जरूर पहुंचा सकता है। हालांकि कुमारी शैलजा ने अभी तक साफ नहीं किया है कि वो भारतीय जनता पार्टी में जाएंगी या फिर नहीं जाएंगी, वो कांग्रेस में रहेंगी या फिर कहीं ना कहीं मनोहर लाल खट्टर का ऑफर स्वीकार करेंगी या नहीं करेंगी, लेकिन देखिये राजनीतिक कयासों से ही चलते हैं, और जाहिर सी बात है जिस तरीके का बयान मनोहर लाल खट्टर ने दिया है अपने आप में ये खुले तौर पर पैगाम है कि आइए हम आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, हम आपके स्वागत में खड़े हैं, और अगर ये स्वागत हो जाता है तो फिर समझ लीजिए कि हरियाणा में हरियाणा की सत्ता में जो कांग्रेस वापसी के सपने देख रही है वो टूटता हुआ नजर आएगा। जी बिल्कुल, तो अब ऐसे में जिस तरह से कांग्रेस की स्थिति देखी जा रही है हरियाणा के अंदर, उससे कहीं ना कहीं सत्ता में वापसी पर अंकुश लगता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अगर सिराज, अगर स्थिति पर गौर फरमाया जाए तो देखिए लोकसभा चुनाव में यूपी के अंदर हमने स्थिति देखी, यूपी के अंदर यहाँ पर कहीं ना कहीं सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार थी और बहुमत की सरकार थी, उसके बाद यहाँ पर ये कयास लगाए जा रहे थे कि यूपी में अगर भारतीय जनता पार्टी का सीएम है तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को काफी अच्छा बहुमत उत्तर प्रदेश में मिलता हुआ नजर आएगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हरियाणा की बात की जाए तो पिछले लोकसभा चुनाव में 10 की 10 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी अपनी पकड़ को मजबूत करती हुई नजर आई और 10 की 10 सीटों पर बड़ी जीत हासिल करती हुई, लेकिन लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी को झटका लगा और हरियाणा के अंदर भी झटका लगता हुआ नजर आया। तो क्या जिस तरह से कांग्रेस अब कहीं ना कहीं 2 फाड़ की स्थिति झेल रही है और हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार सत्ता में वापसी के प्रयास करती हुई नजर आ रही है, दावे ठोकती हुई नजर आ रही है, तो क्या उनके मंसूबों पर एक बार फिर से कांग्रेस आलाकमान बड़ा फैसला लेते हुए पानी फेरते हुए नजर आएंगे? और जिस तरह से आपने यहाँ पर रणदीप सिंह सुरजेवाला और कुमारी शैलजा और यहाँ पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नामों का जिक्र किया, तो 72 नामों का चयन जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सहमति से हुआ है, तो क्या ये हो सकता है कि कांग्रेस आगामी विधानसभा चुनाव में सीएम चेहरे के तौर पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ही उतारती हुई नजर आए, क्या लगता है? जी बिल्कुल, पहले भी राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और जाहिर सी बात है कांग्रेस पार्टी के एक वरिष्ठ नेता है, दिग्गज नेता है और बड़े कह सकते हैं पैमाने पर उनकी हरियाणा की राजनीति में पकड़ जमीनी तौर पर एक्टिव रहते हैं, और जाहिर सी बात है कि जब विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया की कांग्रेस में कह सकते हैं वो शामिल हुए थे, उसमें कह सकते हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा का एक बड़ा रोल था, और जिस तरीके से अब देखा जाए तो हरियाणा की राजनीति अब अलग मोड़ ले रही है ऐसे समय पर जब चुनाव नजदीक है, और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा दाव खेला है, मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी के लिए एक बड़ा झटका है, और आने वाले समय में यानी अगले विधानसभा चुनाव तक भी कहीं ना कहीं ये ऐसा झटका होगा कि कांग्रेस पार्टी इससे उभरना उसका मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि देखा जाए ज्योतिरादित्य सिंधिया तमाम विधायकों के साथ जब भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देते हैं, कमलनाथ की सरकार गिर जाती है, उसके बाद से मध्य प्रदेश में आज तक कांग्रेस की वापसी नहीं हुई। लोकसभा चुनाव में क्या हुआ हम सब ने देखा, विधानसभा चुनाव में क्या हुआ हम सब ने देखा। जी बिल्कुल, तो अब ऐसे में कांग्रेस की स्थिति सुधरती हुई नजर आएगी या फिर विधानसभा चुनाव आने तक कहीं ना कहीं कांग्रेस के अंदर 2 फाड़ की स्थिति उत्पन्न होती हुई नजर आएगी, और ऐसे में अगर इस तरह की स्थिति कांग्रेस के अंदर रहती है तो भारतीय जनता पार्टी किस तरह से उसका फायदा उठाती है? क्या भारतीय जनता पार्टी वाकई हरियाणा के अंदर जिस तरह से दावे ठोकती हुई नजर आ रही है एक बार फिर से सरकार बनाने का,
क्या हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी हैट्रिक बनाते हुए सरकार बनाती हुई नजर आएगी या फिर कांग्रेस आला कमान कोई बड़ा फैसला लेकर हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के मंसूबों पर पानी फेरता हुआ नजर आएगा। इस मुद्दे पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए SPN9।